टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब कॉपी ऐसे में कर रहे हैं। देखिए इसका लेंथ कितना है, 70 + 30 = 100, हाइट 45 और विड्थ 60। तो पहले बॉक्स बना देंगे। देखो ये रेडियस 30 है ना, इसलिए 60। तो पहले बॉक्स बना देंगे और बाद में सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो उसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ से लाइन बनाया। उसके बाद 30-30 दोनों साइड, यहाँ से 30, यहाँ से 30, उसके बाद यहाँ से लाइन और यहाँ से भी लाइन। देखो तो इस प्रकार से रॉम्बस बन गया। रॉम्बस होने के बाद लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये हो गया। बाद में ऑपोजिट कॉर्नर से इस साइड के मिड पॉइंट, ये फोर सेंटर मेथड है। इसको लिखा 1, इसको लिखे 2, ये 3 और ये 4, ये M। अभी क्या करेंगे, 1 to M लेंगे और कर्व बनाएंगे। ये देखो 1 to M लेके कर्व बनाया। ठीक उसी प्रकार 4 to M लेके कर्व बनाएंगे। ये हो गया बड़ा सर्कल। अभी छोटा सर्कल, वो कितना है डायमीटर 30, तो सेंटर से कितना लेना पड़ेगा, 15 15, यहां से भी 15 15। देखो वापस से रॉम्बस बन गया। लॉन्गेस्ट डायगोनल तो ऑलरेडी है। वापस चैनल वी बनाएंगे, इसको लिखेंगे 1 2, ये ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है पॉइंट 1 से, तो आपको 3 और 4 मिलेगा। सो बाद में वापस 1 to M लेके कर्व, ये देखिए 1 to M कर्व बना दीजिए। 4 to M लेके कर्व बना दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद इसको नीचे लेके जाएंगे। ये कितना पार्ट है, नीचे गया है 45 - 15 = 30, और ये पूरा प्लेट बनेगा बराबर। ये कितना हाइट है, 15, तो नीचे से 15 लेते हैं या ऊपर से 30, एक ही बात है। उसके बाद प्लेट बना देंगे। देखो ऐसे लाइन खींच देंगे, और यहां से टेंजेंट, यहां पे सर्कल बनाना है। रेडियस 30, सो डायमीटर कितना होगा, 60। तो आप 60 60 लेके सब जगह 60 60 लेके रॉम्बस बना सकते हैं। ये हुआ लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये हुआ मिड पॉइंट, ये मार्क किया मिड पॉइंट। अभी चैनल वी देखो, ऐसे ड्रॉ किया, ये लिखा 1,
ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये एम। वापस सेम मेथड, वन टू एम लेके कर्व बनाया और फोर टू एम लेके कर्व बनाया। उसके बाद ये सेम सर्कल नीचे भी है, तो कितना नीचे जाना पड़ेगा, 15। तो 1 एंड 4 को 15 15 नीचे लेके जाएंगे, 1 डैश 4 डैश। सो 1 टू M लीजिए, 1 टू M और वन डैश पे रख के कर्व बना दीजिए। फोर टू एम लीजिए, मतलब उसका मीनिंग उसका मतलब कॉपी पेस्ट, ऊपर का जो कर्व है वो नीचे लेके पेस्ट किया। ये टेंजेंट, अभी यहां से लाइन, यहां से भी लाइन, अभी इसके बाद ये वाला पार्ट, रिब वाला पार्ट। तो उसके पहले ये कर्व बना देते हैं। देखिए ये रेडियस लिया, नीचे गए, वापस ड्रॉ किया, सेम मेथड, कितना नीचे जाना पड़ेगा, 30। सो पॉइंट फोर एंड पॉइंट वन को 30 नीचे लेके जाइए और कॉपी पेस्ट मेथड। देखो 30 नीचे मार्क किया वन डैश, यहाँ 30 नीचे मार्क किया फोर डैश। अभी क्या करेंगे, वन टू एम लेंगे, ये रेडियस लेंगे, नीचे जाएंगे, कट करेंगे। ठीक उसी प्रकार 4 टू M लेंगे, नीचे जाएंगे और कर्व बनाएंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये कितना है, 22। ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो ले लिया, ये 22। और ये कितना है दोनों साइड, 5 5। इसको ज्वाइन करते हैं यहां से, देखो तो ऐसे बन जाएगा। तो सेंटर से 5 5 लेके और नीचे भी 22 डिस्टेंस लेके, 5 5 लेके ये पोर्शन बना सकते हैं। इसको रिब बोलते हैं। इसको एक्सटेंड करो, ऊपर से लाइन बनाओ, तो हो गया। अभी इसको डार्क करना है और आपको और एक सर्कल बनाना है डायमीटर 22 वाला। तो वापस रोम्बस 22 बना के करना पड़ेगा। ये देखो अभी सेंटर है, सेंटर से वापस लाइन खींच दो, प्लस बना दो। उसके बाद सेंटर से 11 11 11 11 मार्क कर दो। हमारे पास लॉन्गेस्ट डायगनल है, अभी चैनल भी बनाया और सेम मेथड से वापस सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 लिख के, 1 2 M,
कर्व बनाएंगे, ये देखो इसको लिखते हैं M, सेम रेडियस रख के 2 से वापस कर्व बनाएंगे 4 to M और 3 to M। उसके बाद ये रेडियस लेके, ये देखो ये 0.2 है ना, उसको नीचे लेके जाएंगे 15, 2 डैश लिखते हैं उसको, 2 to M रेडियस लिया, नीचे गए 2 डैश और कर्व बनाया, तो स्लाइटली थोड़ा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा, इसको पोलो सर्कल बोलते हैं। उसके बाद ओरिजिन 30-30 डिग्री और लेंथ विड्थ हाइट डायमेंशन दे सकते हैं और एक्सेस बना सकते हैं जहाँ जहाँ सर्कल है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।